महामारी कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में काफी हद तक कम हो गए। ऐसे में अटकल लगाई जा रही है कि अब राज्य को पूरी तरह से कर्फ्यू मुक्त कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार कर्फ्यू हटाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 6 जून से बढ़ाकर 13 जून कर दिया है। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने छूट के दायरे को भी बढ़ाया है। प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल भी 50-30 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन सब के अतिरिक्त जिम और कोचिंग सेंटरों को भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान राहत दी है, यानी 50-30 उपस्थित के साथ जिम और कोचिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे। हालांकि पूर्व में जारी आदेशों को यथावत रखा गया है, यानी पिछले सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रतिबंधित 5-3-4 चीजें रह गई। मल्टीप्लेक्स प्रतिबंधित है, स्विमिंग प्रतिबंधित है, पिक्चर हॉल, मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉल बात, ये प्रतिबंधित है। इसके अलावा कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं। नहीं, जो बाहर से और शेर से लोग आ रहे हैं वो प्रतिबंध लागू रहेगा। आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट, वो प्रतिबंध लागू रहेगा।